ओम नमः शिवाय। दोस्तों, नया साल, नव वर्ष हम सभी के लिए आनंदमय मंगलमय हो, यही मेरी आप सभी के लिए कामना है। आज इस वीडियो में जो है कुछ एक विशेष चीज लेकर आया हूं। हमारे जोडियक बेल्ट में टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। आपने जोडियक साइंस के बारे में सुना होगा। यदि उसमें इफ वी डिग डीप इनटू जोडियक साइंस, तो 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र का एक देवता होता है, हर नक्षत्र का एक चिन्ह होता है। तो आज मैं हर नक्षत्र से जुड़ा हुआ एक उपाय लेकर आया हूं, जो करने से आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 100% जो है गारंटेड रिजल्ट मिलेगा। बस आपको आपका चंद्र नक्षत्र पता होना चाहिए। आप अपनी जन्म कुंडली खोल के देख सकते हैं, या कोई ज्योतिषीय सॉफ्टवेयर आदि यूज कर सकते हैं। आपको अपना चंद्र नक्षत्र पता चल जाएगा। यदि आप को चंद्र नक्षत्र पता नहीं है, आप महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में संपर्क कर सकते हैं। दो भागों में इस वीडियो को हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र की। यदि अश्विनी नक्षत्र वाले जातक घोड़ों का, दौड़ते हुए घोड़ों का, रनिंग हॉर्सेस का फोटो अपने वर्क स्टेशन पे, अपने ऑफिस में रखते हैं, तो आने वाला जो नव वर्ष है उनके लिए बड़ा ही सुखद रहने वाला है। कार्य में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी। बात करते हैं अगले नक्षत्र की, भरणी नक्षत्र, जो कि मेष राशि में ही आ जाता है। भरणी नक्षत्र वाले, भरणी नक्षत्र का जो पौधा है वो आंवला है। आंवले के वृक्ष को सींच सकते हैं, आंवले के पौधे को प्लांट करके उसे जो है पानी दे सकते हैं, या थोड़ा सा आंवला दिन में सेवन कर सकते हैं, तो भरणी नक्षत्र वालों को लाभ होगा। इसके अलावा यदि एलिफेंट्स की, हाथियों की तस्वीर यदि अपने घर में रखें भरणी नक्षत्र वाले, तो उनको जो है बड़ा ही लाभ होगा। बात करते हैं कृतिका नक्षत्र की। चंद्रमा जिनका कृतिका नक्षत्र में है, कृतिका नक्षत्र इज द नक्षत्र एसोसिएटेड विद शार्प ऑब्जेक्ट्स। कृतिका नक्षत्र वाले जातक यदि अपने दिन की शुरुआत कोई चीज काट कर, किसी शार्प ऑब्जेक्ट, चाकू आदि से काट कर, कोई नींबू, कोई सब्जी, कोई फल चाकू से काट कर यदि दिन की शुरुआत करें, और अग्नि का ध्यान करें, क्योंकि इस नक्षत्र का देवता है अग्नि, तो अग्नि दीपक की लौ जो है घर से जलाकर निकले, या किसी तरह इसका अग्निहोत्र हवन करके घर से निकले, है ना, तो कृतिका नक्षत्र वाले जातकों को लाभ होगा। रोहिणी नक्षत्र वाले जातक, रोहिणी नक्षत्र वाले जातक कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई वाद्य यंत्र अपने घर में रखें, तो रोहिणी नक्षत्र वाले जातकों को लाभ होगा। बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र की। मृगशिरा नक्षत्र वाले जातक अच्छी सुगंध, अच्छी परफ्यूम लगाकर जो है घर से अगर निकले, तो मृगशिरा नक्षत्र वाले जातकों को लाभ होगा। बात करते हैं आराध्रा नक्षत्र की। आराध्रा नक्षत्र वाले जातक यदि कुत्तों को भोजन कराकर अपने कार्य पर जाएं, है ना, तो उन्हें जो है लाभ होगा। पुनर्वसु नक्षत्र, चंद्रमा जिनका पुनर्वसु नक्षत्र में है, वे जातक एक धनुष बाण की तस्वीर, या एक खिलौना, एक टॉय, धनुष बाण, तीर कमान यदि अपने पास रखें, या अपने कार्यस्थल पर डार्ट गेम रखें, तो पुनर्वसु वाले जातकों को लाभ होगा। अश्लेषा नक्षत्र वाले सांप की, स्नेक की कोई आर्टिफैक्ट, कोई पेंटिंग अपने घर पर रखें, और घर पे जो है किसी चीज का वास करें, धुआं करें, लोगान, लोबान, अगरबत्ती आदि का वास करें, तो अश्लेषा नक्षत्र वाले जातकों को लाभ होगा। पुष्य नक्षत्र वाले, पुष्य नक्षत्र वाले यदि अपने हाथों से कोई ना कोई डेयरी प्रोडक्ट खरीदें,
कुछ दूध पनीर घी बटर इस तरीके के कोई डेयरी प्रोडक्ट खरीदे तो पुष्य नक्षत्र वाले जातकों को लाभ होगा। मघा नक्षत्र वाले जातक, मघा नक्षत्र वाले जातक ताश के पत्ते में जो राजा होता है किंग बादशाह उसका तस्वीर अपने फोन के वॉलपेपर में रखें और अपने पितरों का स्मरण करके ध्यान करके यदि घर से निकले तो मघा नक्षत्र वाले जातकों को लाभ होगा। तो ये थे 10 नक्षत्र, तो टोटल 27 नक्षत्र हैं। अगले नक्षत्र हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेम स्टोन्स नग चाहते हैं या पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं तो संपर्क का जरूर करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। मेरा नंबर है 9503596761। देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स अ लॉट।